I'm gonna go to the bathroom.
हेलो जी, नमस्कार जी, सभी को मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? तो शादी का ये दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है। किस तरह से गांव में दुल्हन का स्वागत होता है वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। नाच गाना भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो घर में ही लाया जाता है दुल्हन को, उसके बाद फिर गांव में जैसे टेंट वगैरह लगाने की जगह नहीं होती है पहाड़ों में, तो काफ़ी दूर पर लगा हुआ है जहाँ पर सड़क है, तो उसके बाद दुल्हन को वहाँ पे ले जाया जाएगा। वहीं पे ही पार्टी जो भी होती है वहीं पे ही होगी, शगन वगैरह जो देते हैं तो वहीं पे ही होगी। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे बाहर बैठे हैं, दुल्हन दूल्हा दुल्हन अंदर हैं, तो जो भी अपने रीति रिवाज होते हैं, जो आते ही जो रस्में होती हैं वही चल रही हैं अंदर। तो यहाँ पर हम बाहर आ चुके हैं और शादी में सभी अपने आए हुए हैं, सभी के साथ यहाँ पे बातचीत हो रही है, अपना टाइम भी पास हो रहा है। तो सुबह से ही आई हुई हूँ मैं, मुझे बारात में छोड़कर ये चले गए थे और अभी तक नहीं आए हैं, ये बारात आ चुकी है। तो देखते हैं जब भी ये आएंगे, क्योंकि जाना तो मुझे तभी जाऊँगी मैं जब ये लेने आएँगे। तो यहाँ पर स्टेज के पास जो है दूल्हा और दुल्हन को लेकर आएँगे अभी, और काफ़ी दूर पड़ जाता है यहाँ से, क्योंकि गांव की जो गलियाँ होती हैं, पहाड़ी जो रास्ते होते हैं वो थोड़े मुश्किल भरे होते हैं, अच्छे साफ़ रास्ते नहीं होते हैं। पहाड़ी लोगों को पता ही होगा जो पहाड़ों में रहते हैं, हमारे जैसे जो गांव में रहते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो भी वीडियो है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये है छोटी सी गुड़िया। तो शादी में अपने सभी जान पहचान वाले मिल ही जाते हैं, गाँव में जो शादियाँ होती हैं सभी अपने ही होते हैं तकरीबन। शहरों में तो फिर भी देखो एक दूसरे की इतनी जान पहचान नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी जगह से आए होते हैं। और ये है मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर दोनों ही, इन्होंने मुझे पहचान भी लिया रिश्ते में। वैसे ये मेरी बुआ की बेटी की बेटी है, और ये इसके दोनों बच्चे हैं जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं दोनों ही, और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो इन लोगों से भी मिलवा दिया है आपको, और दूल्हा दुल्हन जो आ चुके हैं स्टेज के पास आ रहे हैं, तो अब इन्हें शगुन वगैरह दिया जाएगा। और जो भी अपने जो वीडियो बनाने वाले होते हैं भैया, जो पता नहीं कैसी कैसी पोज वगैरह बनवाते हैं, आजकल की जो शादियां होती हैं उनका तो काफ़ी टाइम लग जाता है स्टेज तक आते आते भी, तो बस वही चल रहा है। तो आप लोग भी बने रहिए, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो वीडियो में बने रहें। तो जी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर बिठा दिया है, और शगुन वगैरह जो देते हैं वही दे रहे हैं, तो हमने दे दिया है शगुन। और यहाँ पे डांस भी चल रहा है, खाने पीने वाले अपने खा पी रहे हैं, और ये मेरे ताया जी की बेटी। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, हमने खाना खा भी लिया है और ये अभी तक नहीं आए हैं, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। और यहाँ पर ना फ़ोन भी नहीं मिलते पहाड़ों में, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ पर फ़ोन बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। किसी को फ़ोन करना हो तो बहुत ही मुश्किल है, और मैं काफ़ी आगे तक भी जाकर आई हूँ कि कहीं ना कहीं तो सिग्नल मिल ही जाए, लेकिन नहीं, फ़ोन की बिल्कुल भी रेंज नहीं है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, आ गए तो भी ठीक, नहीं आए तो फिर यहीं पे ही ठहरेंगे। तो यहाँ पे खाना पीना हो रहा है अपना, और जाने की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि स्टेज पे यहाँ पे खाना जो साथ के साथ ही खाना भी लगा हुआ है, तो खाना खाकर अपने जो भी शगुन वगैरह देना होता है देके, तो काफ़ी निकल चुके हैं यहाँ से, और अब हमारी बारी भी है, हमें भी चलना है यहाँ से, क्योंकि ये लोग आ चुके हैं और अभी ये खाना खा रहे हैं। मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ इनका,
तो इस वीडियो का भी मैं यहीं पे ही एंड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है और आज की वीडियो में बस यही शादी का ही मैंने व्लॉग दिखाया है। तो फिर चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।